जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। इस तरह इज्जत का जनाजा उठेगा मेरी अपनी बहन घर के मुलाजिम के साथ। श्रेयान, तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? तुम्हारी बहन किसी से मोहब्बत करती है या इस बात पर कि वो किसी मुलाजिम को पसंद करती है? चुप कर जाओ मुस्कान, प्लीज चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? ठीक कह रही हूं मैं। मुझे क्यों बातें सुना रही हो? मैंने क्या किया है? देखो रेहान, तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो। लड़कियों पर बेजा पाबंदियां लगाई जाए तो फिर वो ऐसा ही करती हैं। बादलों को छूने की ख्वाहिश में आजाद परिंदे नहीं बल्कि कैद परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि उनमें ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश ज्यादा होती है। क्या कह रही हो यार? कौन सी पाबंदियां लगा दी हमने उन दोनों पे? अपनी मर्जी से रहती हैं, जो चाहती हैं खाती हैं पीती हैं, उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करता हूं, जो कहती है लाकर देता हूं उन्हें। यार कौन सी सख्तियां, कौन सी पाबंदियां लगाती हैं? रियान, सिर्फ अच्छा खाना पीना अच्छा पहनना एक औरत की जरूरत नहीं होती है। यही बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की मगर तुम नहीं समझे। देखो अब तुम ये गलती दोबारा कर रहे हो। गलत अब तुम कह रही हो मुस्कान। अनस और अलिजबा के रिश्ते को तस्लीम करना मजबूरी थी हमारी, लेकिन अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। क्या मतलब है तुम्हारा रियान? ये किस्सा अब खत्म होगा। देखो क्या करने जा रहे हो तुम? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रियान, गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। अपने गुस्से पर काबू रखो रियान, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। रियान कहाँ जा रहे हो तुम? अभी नहीं मुस्कान। रियान